इंदौर में कार्यक्रम के दौरान गिरने से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। इंदौर में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल और कई निजी अस्पताल होने के बावजूद साधो ने इलाज के लिए दिल्ली जाने की इच्छा जताई और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें एयरलिफ्ट करवा के दिल्ली एम्स में इलाज के लिए भेजा। विजय लक्ष्मी साधो का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो कह रही हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा फ्रैक्चर है, वो ठीक हो जाएगा। मैं ठीक ठाक हूँ भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मामूली सा फ्रैक्चर है और वो ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इंदौर को एमपी का मेडिकल हब कहा जाता है और भोपाल में भी एम्स अस्पताल है, तो क्या साधो के फ्रैक्चर का इलाज एमपी के किसी अस्पताल में नहीं किया जा सकता था, या साधो को प्रदेश के डॉक्टरों पर भरोसा ही नहीं है? अब जब प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा मंत्री ही अपने डॉक्टरों पर भरोसा नहीं कर रही है, तो बाहर के मरीज यहाँ क्यों इलाज करवाने आएंगे और मेडिकल टूरिज्म को कैसे बढ़ावा मिलेगा?